सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतनी दुआ करूंगी कि 2016 से लाख गुना करोड़ों गुना बेहतर हो आप लोगों का 2017। कौन सा हो? सॉन्ग का एक वीडियो वायरल हुआ है, मुझे पता ही नहीं एक्चुअली। भोजपुरी का सब एक वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? तो मतलब किस सिलसिले में वायरल हुआ है वो? डांस में, मतलब गाना आइटम सॉन्ग फिल्म गाना आने से पहले ही आ चुका है यूट्यूब पर। नहीं, दूसरा एक सॉन्ग वायरल हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता है कि कौन सा सॉन्ग वायरल हुआ है और किस सिलसिले में वायरल हुआ है, और हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनकी पब्लिसिटी यही है, आज का ज़माना है, कलयुग चल रहा है, जितने उल्टे काम करोगे तुरंत क्लिक होगे। जैसे 2016 में आपको कई सारे अवार्ड मिले थे, आप भोजपुरी अवार्ड से नवाजा गया था, तो 2017 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 2017 में मैं चाहूँगी कि मैं लोगों के लिए दुआ की हूँ, तो लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे लिए भी 2017 2016 से लाखों करोड़ों गुना बेहतर हो, और कोशिश रहेगी जितना काम किया उसका डबल काम करूं, और 9 साल का आइटम ट्यून का रिकॉर्ड बनाया है, ऊपर वाले प्लीज़ ये 10 साल भी कंप्लीट कर देना, बस यही दुआ करूंगी। जैसे कि आज फोटो शूट हो रहा था, तो किस तरह की फोटो शूट देख रहे हैं आज? आप खूबसूरत भी बहुत दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच, कोई मेरी तारीफ करता तो मुझे अपना, खासकर कोई बॉयज़ मेरी तारीफ करता तो। एक्चुअली ये दोहा कतर के शो के लिए फ़ोटो शूट हो रहा है, हम लोग, मैं तो 4 बार जाकर आ चुकी दोहा कतर, अब 5वीं बार जा रही हूँ 14 फेब को, वहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं मधुवेंद्र राय जी, उनका सोच है कि कुछ अलग करें, उन्होंने लगातार 3-4 शो करवा चुके हैं, तो वो उनका बोलना है कि हम लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि फ़ोटोशूट में जो पोस्टर बने कुछ अलग बने, हम लोग के डेली वाले फ़ोटो नहीं हो उसमें, और हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके बाइट्स देते थे, तो उनका बोलना है कि उन्होंने आज कैमरे पे शूट किया है, इस बार बहुत अलग तरीके से हो रहा है, और इस बार आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कलाकार जा रहे हैं, खिसारी जी, दिनेश जी, आम्रपाली जी, शुभी जी, प्रवेश जी, काजल जी, अंजना जी, और मैं और पूनम दुबे जी, तो हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं हमको भी मिलता है कि कुछ अलग तरीके से होगा, तो हमें भी अच्छा लगता है। किस तरह से एक्सपीरियंस रहा दिनेश सर के साथ काम करने का और आम्रपाली के साथ? अगर रियल में बोलूँ तो वो मेरे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है, मैंने हमेशा बोला है दिनेश जी और आम्रपाली जी मेरे फेवरेट हैं, और उनके साथ काम करना अपने आप में एक प्राउड फील होता है। मैंने मेरी लाइफ का वो यादगार पल रहा है, यादगार गाना रहा है, कि बोलते ना अगर मैं मर भी गई ना तो वो लोग मुझे याद रखेंगे बबली नाम से, तो वो दिनेश जी की ही देन है, उन्हीं की फिल्म का गाना है, और कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्की भी हैं दिनेश जी कि मैंने शुरुआती अपनी फिल्म कहाँ जब राजा नजरिया लड़ाई की, जिसमें वो हीरो थे, उसी से अपनी शुरुआत भी की थी, तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है उनके साथ काम करना। जैसे कि मैम 31st का सेलिब्रेशन था, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर? एक्चुअली मैं 5 साल से सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ अपने तरीके से करती हूँ, लोग इन्जॉय करके पार्टी वार्टी करके करते हैं, बट मैं अजमेर जाती हूँ ख्वाजा गरीब नवाज़ जी के दरगाह, और मैं 31st वहीं मनाती हूँ, मैं 5 साल से वहाँ पे मना रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो हमारी फील्ड है ना, हमेशा चाचू गाने सुन रहे, ये करें, इन्जॉय करें, पार्टी करें, इससे एक अलग दुनिया होती है वो, जब वहाँ 12 बजे की दुआ पड़ी जाती है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं 3-4 दिन वहाँ रहती हूँ, मैं अजमेर जाती हूँ, मैं समर शरीफ जाती हूँ, मैं पुष्कर जाती हूँ, और 3-4 दिन बाद मैं रिटर्न आती हूँ, तो एक तरफ से देखा जाए तो मैं सोचती हूँ साल भर जो पाप करना है उसको धोकर वापस आओ, फिर पाप करो, फिर जाकर धो लो, तो वही मैं करती हूँ। मैम 31st के दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है बैंगलोर की सिटी में, आपने वीडियो क्लिप भी देखे होंगे किस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो मानसिकता जो पुरुषों की होती है, कि उन्होंने कई लोगों का कहना है कि हाफ ड्रेस की वजह से इस तरह की घटना बढ़ती है? अरे बाप रे, मतलब आज के ज़माने में लोग अगर ऐसी सोच रखे हैं तो मैं बोलती हूँ मैं एक ठाकुर की लड़की हूँ, और उसके बाद मैं ऐसे कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, और मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं बोलती हूँ लड़कियों में खोट नहीं है, उन लड़कों में खोट है जिनको जिनकी सोच वैसी है कि यार ये ऐसे कपड़े पहन के जा रही है, ओ उसने ऐसे पहना है। आप देखिए ना कि आज ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, आज मतलब मैं अपने लिए पर्सनली बोलती हूँ कि मैं भोजपुरी में जब आई थी तब मेरे भी गांव की स्थिति ऐसी थी कि 2007 और 8 की बात करूँ कि लोग बोलते थे कि अच्छा 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 फिल्म में नाचे थी ऐसे,
और आज स्थिति है, अरे वो देखो देखो सीमा सिंह, अरे बड़ी बड़ी फिल्म किए हैं, तो सोच में इतना फ़र्क हुआ है। अगर आज के ज़माने में लोग कपड़े के लिए इस बारे में बात करें तो उनकी सोच को धुतकार है मुझे, और जो ऐसे छेड़छाड़ करते हैं उनको पकड़ के तो सबसे पहले जेल में डालो, उनको निकलने मत दो बाहर, जो लड़कियों की आज़ादी को छीनते हैं। आज हम आज़ाद हैं, हमें गवर्नमेंट ने आज़ाद छोड़ा है लड़कियों को, और हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को मैं धुतकारती हूँ। मैम कल कैप्टनसी महेंद्र सिंह धोनी ने भी क्विट किया है, तो क्या कहना चाहिए? आई लव धोनी जी। धोनी सिंह जो हैं और मैं भी सिंह हूँ, भले वो पंजाबी है और मैं यूपी की हूँ, और मैं क्रिकेट वैसे बहुत अब कम देखने लग गई हूँ। मेरे ख्याल से 2007 में वर्ल्ड कप आते आते रह गया था, 2013 में वर्ल्ड कप आया, 2011 में वर्ल्ड कप मिला था और 2007 में रह गया था। 2007 में मुझे बहुत बड़ा सदमा बैठा था, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आई थी, इसलिए वो चीज़ याद रह गई क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं लाया था। और उसके पहले ना हम लोग एक प्लेट लेते थे और एक बेलना लेते थे हाथ में, और जैसे चौका जाता था ठा 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 बजाते थे, छक्का जो छक्का गया तो पूरे लाइन से पूरी बिल्डिंग बजाती थी, मतलब इस तरह से क्रेजी थे हम लोग क्रिकेट के। लेकिन जब वर्ल्ड कप नहीं आया ना तो तब से मैंने मैच देखना बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब 2011 में वर्ल्ड कप आया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, बट अब टाइम नहीं मिल पाता है देखने का। उस समय एकदम फ्री थे ना 2007 में, तब इंडस्ट्री में नहीं थी, तो प्यार तो है क्रिकेट से और अच्छा लगता है सुनकर कि यार इतना अच्छा सब हो रहा है। थैंक यू।